हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में गाइस हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी टी शर्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं वाइट और ब्लैक में। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम अपनी टी शर्ट को चेंज किए थे बट उसमें वाइट एंड ब्लैक नहीं कर सकते थे। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार हम वाइट एंड ब्लैक कर सकते हैं अपनी टी शर्ट के कलर को। तो इसके लिए हम इस स्नैपसीड ऐप में अपनी फ़ोटो को ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद हमें वहाँ पर कलर चेंज करना है। तो इसका थोड़ा बहुत ही अजीब सा ट्रिक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आपको ट्रिक को समझना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टूल्स पे जाना होगा और सिलेक्टिव पे जाना होगा। और सिलेक्टिव पे जाने के बाद हमें अपने टी शर्ट पे एक सिलेक्टिव को ऐड करनी होगी। तो हमें अपने टी शर्ट के अलग अलग पार्ट पे हमें यहाँ पे सिलेक्टिव को ऐड करना होगा और ब्राइटनेस और सैचुरेशन को डाउन करना होगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ऐड की और इसके ब्राइटनेस को डाउन कर दिया और उसी तरह यहाँ पे सैचुरेशन को भी पूरा डाउन कर दिया। और स्ट्रक्चर को थोड़ा बढ़ाना है ताकि यहाँ पे जो टी शर्ट का स्ट्रक्चर है वो बना रहे। तो इसके लिए फिर हम दूसरी जगह पर भी उसी तरह ब्राइटनेस को डाउन करते हैं, सैचुरेशन को डाउन करते हैं और स्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं। इसी तरह हम तीसरी जगह पर इसी तरह करते हैं और वही प्रोसीजर अपनाते हैं यहाँ पर भी। और जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि टी शर्ट की कलर अभी भी ब्लैक नहीं हुई है तो आप इसी तरह वहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अब बिल्कुल परफेक्टली ब्लैक लग रहा है बट इसमें थोड़ा सा और फीकापन लग रहा है। तो और यहाँ पर हमने जो ब्लैक किया है तो उसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा फेस में भी ब्लैकपन आ जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फेस पर ब्लैक ना हो, उसके लिए हम एक फेस पर भी ऐड कर देंगे सिलेक्टिव ताकि फेस का जो सैचुरेशन है वो बना रहे। तो फेस के सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे परफेक्टली ब्लैक लग रहा है तो अब यहाँ पे टिक पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, हमें थोड़ा और ब्लैक करना होगा टी शर्ट को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिलेक्टिव पे जाएंगे फिर से, सबसे पहले तो टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्टिव पे जाएंगे। और सिलेक्टिव पे जाने के बाद फिर वही प्रोसीजर अपनाएंगे हम। यहाँ पे थोड़ा सैचुरेशन ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे फिर सिलेक्टिव ऐड करेंगे अपने टी शर्ट पे और यहाँ पे सैचुरेशन को डाउन कर देंगे और ब्राइटनेस को भी उसी तरह डाउन कर देंगे। तो हमारी टी शर्ट जो है परफेक्टली यहाँ पे ब्लैक हो जाएगी। तो आप किसी भी कलर को इसी प्रोसीजर से ब्लैक कलर दे सकते हैं। तो बहुत ही ईजी प्रोसीजर है दोस्तों, आप अगर करना चाहते हो अपनी पिक में तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया टी शर्ट को ब्लैक और यहाँ पे टिक पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो टी शर्ट कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है ब्लैक में। अब यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फ़ोटो है वो सेव हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, पहले रेड था और अब ब्लैक हो चुका है। बिल्कुल जो टी शर्ट की क्वालिटी है वो बिल्कुल नहीं घटी है। तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। तो अब दोस्तों हम इस फ़ोटो को सेव कर लेंगे और अब देखेंगे कि किस तरह हम फिर से उसी फ़ोटो को किस तरह हम वाइट कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी टी शर्ट को हम वाइट कलर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले इसे स्नैपसीड ऐप में सेंड करेंगे। तो स्नैपसीड ऐप में सेंड कर लेना है हमें दोस्तों। आप दूसरे ऐप से भी कर सकते हैं, पिक्सआर्ट से भी कर सकते हैं कलर चेंज, लेकिन क्या है कि बहुत लोगों को नहीं पता होता कि स्नैपसीड में भी कलर चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने इस प्रकार की वीडियो बना दी है। तो स्नैपसीड में ओपन करने के बाद आपको फिर टूल्स पे जाना है और यहाँ पे फिर सिलेक्टिव पे जाना है। आपको सेम प्रोसीजर करना है, बस इसमें क्या है कि प्रोसीजर थोड़ा सा उल्टा रहेगा। इसमें आपको जो अमाउंट है थोड़ा उल्टा रखना है। इसमें फिर हमने ऐड किया सिलेक्टिव और इसमें क्या करना है, सैचुरेशन को तो डाउन करना ही है बट ब्राइटनेस को इनक्रीज़ करना है और स्ट्रक्चर को भी इनक्रीज़ करना है। उसी तरह हम और टी शर्ट के अलग अलग पोजीशन पे ऐड कर देंगे सिलेक्टिव और ब्राइटनेस को बढ़ा करके सैचुरेशन को डाउन करेंगे और स्ट्रक्चर को बढ़ा देंगे। तो आपको यही प्रोसीजर अपनाना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी टी शर्ट की कलर है उसका सैचुरेशन पूरा डाउन हो जाएगा और जो कलर का ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें साइज़ को भी थोड़ा बढ़ा लेना है सिलेक्टिव का और उसके बाद डन कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे फेस पे थोड़ा इफ़ेक्ट आ चुका है
वाइटनेस आ चुकी है, तो इसके लिए हम फिर एरो पे जाएंगे और व्यू एडिट्स पे जाएंगे। और व्यू एडिट्स पे जाने के बाद हम फिर सेलेक्टिव पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो पेंसिल वाला आइकन है उस पर क्लिक करेंगे। देन हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ अपने टी शर्ट पे ब्रश कर देना है ताकि जो हमारा अनदर पोर्शन है बॉडी का उस पर कोई इफेक्ट ना आए। तो हम यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे ब्रश कर देंगे। तो आपको थोड़ा अच्छी तरह से करना है, मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पीड में किया है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अच्छी तरह हो चुकी है, उसके बाद टिक पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, हमें बैक आना है और फिर से हमें टूल्स पे जाना है और फिर हमें वही प्रोसीजर अपनानी है। तो सेलेक्टिव पे जाएंगे हम और यहाँ पे सेलेक्टिव पे जाने के बाद फिर यहाँ पे सेलेक्टिव ऐड करेंगे टी शर्ट पे और जो ब्राइटनेस है उसको इंक्रीज कर देंगे, सैचुरेशन को डाउन कर देंगे और स्ट्रक्चर को बढ़ा देंगे। तो यही प्रोसीजर आपको अपनानी है। तो अब देखिए दोस्तों, टी शर्ट में टी शर्ट की जो कलर है वो धीरे धीरे वाइट होती जा रही है, तो इससे हमारा जो अनदर पोर्शन है बॉडी का उस पर भी इफेक्ट आ रहा है, जैसे कि हमारा फेस स्किन ये जो है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम और एक सेलेक्टिव ऐड करेंगे अपनी फेस पे और उसे सैचुरेशन को बढ़ा देंगे और जहाँ जहाँ पे नहीं हुआ है तो वहाँ पर भी हम सेलेक्टिव ऐड करके सैचुरेशन डाउन करके ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे और स्ट्रक्चर को भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी कलर चेंज हो चुकी है, आप पहले देख सकते हैं, पहले रेड थी और अब किस तरह की कलर कन्वर्जन हो चुकी है। तो ये ट्रिक बहुत लोगों को नहीं पता होती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना देता हूँ। तो यहाँ पे डन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आप दोस्तों कि किस तरह की चेंजेस आ चुकी है अब हमारे टी शर्ट की कलर पे। तो आप इजीली किसी भी तरह की कलर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, किसी भी कलर को आप यहाँ पे वाइट या ब्लैक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी ट्रिक है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, सेलेक्टिव पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि कहाँ कहाँ पे आपको रखनी है और कहाँ कहाँ पे नहीं रखनी है। तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपका ज़रूर बिल्कुल परफेक्ट कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही इजी वे में कलर चेंजेस हो चुकी है हमारी टी शर्ट की। तो इसके बाद हम डन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोटो जो है वो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, और इस तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।